Good morning. Welcome with David Ariel, singer and researcher, always with you. मैं आपको आज के अपने इस रिसर्च और तहकीक में एक बात वाजे करना चाहूँगा. जैसे दो लाइन्स होती हैं तो उनको समझिए. एक होता है कॉस्मिक वे और एक होता है ओशन वे. ट्राइंगल दो तरह के हैं, जब आप समझेंगे ट्राइंगल दो तरह के हैं. एक ट्राइंगल बनता है कॉस्मिक वे में और एक ट्राइंगल बनता है ओशन वे में. अब बात यह है कि इस फलसफे को समझने की ज़रूरत है. जब ये दो ट्राइंगल बनते हैं तो उससे क्या होता है, सिक्स डिफरेंट डायमेंशन पैदा होती हैं, वजूद में आती हैं, जो एक बेहतरीन किस्म की फ्रिक्वेंसीज बनती हैं जिससे पॉजिटिविटी वजूद में आती है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कॉस्मिक एंड ओशन आपस में अटैच हो जाते हैं. इसकी मज़ीद एक मैं मिसाल के तौर पर समझाना चाहूँगा. जैसे आप देखते हैं फलस्तीन, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं, पाकिस्तान में कश्मीर का इशू है, ऐसे ही इसराइल में फलस्तीन का इशू है. तो अब देखा जाए तो फलस्तीन में भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं और इसराइल में भी इसराइल में जो ज्यूज हैं वो है ज़ायनिस्ट ज्यूज हैं. तो इसी तरीके से पाकिस्तान में आप देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, कश्मीर में देखते हैं, सारे वही सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं बिलीव की. मैं आपको वहाँ से एक बात समझाता हूँ. देखिए आप फलस्तीन की अगर आप झंडा देखेंगे तो वो उस पर भी स्टार ऑफ डेविड था तो बिफोर दिस इशू, और उसके बाद अब जो है स्टार ऑफ डेविड जो है वो इसराइल के झंडे पर है. तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें भी नज़रिया अलग अलग है. जो इसराइल ज़ायनिस्ट का जो नज़रिया है, ज़ायनिस्ट होने के लिए कोई रिलीजन ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक पॉलिटिकल नज़रिया होता है ज़ायनिस्ट, ठीक है. ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल नज़रिया है जो ये कहता है कि अलग से एक मुल्क होना चाहिए इसराइली कबीले का, और जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें पूरा का पूरा जो कॉस्मिक वे है वो अगर नज़रिया रखते हैं ज़ायनिस्ट कि पूरा का पूरा कॉस्मिक वे हमारा है और हम इस दुनिया में एक छोटा सा मुल्क रख के अपना गुजारा करते रहेंगे लाइवलीहुड. और जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो कहते हैं ये ट्राइंगल का नस्बत हमारी है और ये पूरी की पूरी दुनिया हमारी है, ओशन सारा हमारा है. तो वो एक अपना नज़रिया रखते हैं, वो कहते हैं कि कॉस्मिक में हमने एक गैलेक्सी रख के और ये पूरा का पूरा अर्थ प्लेनेट हमारा है. देखा जाए तो ये इसराइली कबीले ने दोनों को इकट्ठा किया है और इसमें एक ट्राइंगल का जो साइन है वो कॉस्मिक साइड है और एक ट्राइंगल का साइन जो है वो ओशन साइड है. तो बिकम सिक्स डिफरेंट डायमेंशन. तो इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, नज़रिया है, और हर कोई अपने हर जितने भी जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस अपने इस नज़रिए को अपने अपने एतबार से वाजे करते हैं. तो याद रखिए हमारा जो नज़रिया है स्टार्टिंग द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम वोमेन, तो जैसे बराबर मर्द हैं वैसे ही तमाम के तमाम बराबर हुकूक जो हैं वो औरतों के भी हैं. अकॉर्डिंग दी होली कुरान औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक हैं, और वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा में औरतें भी इमाम बनने की दुआएं मांग सकती हैं और बन सकती हैं. तो ये सब के सब रब्बुल आलमीन ने बराबरी के इख्तियार दिए हैं. बी विद अस, डेविड एरियल सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू.